उम्र 30 साल, निवासी रांची झारखंड, पुरस्कार अर्जुन अवार्ड पद्मश्री, नाम है दीपिका कुमारी। बिल्कुल सही समझे आप, ये वही तीरंदाज हैं जिनसे बहुत उम्मीदें देश को हैं, जिनसे उम्मीदें हैं कि वो 2006 की तरह यहां पर भी मेडल लेकर आएंगे। 2006 का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि दीपिका कुमारी की तीरंदाजी सफर की शुरुआत टाटा मेमोरियल एकेडमी से साल 2006 में हुई और उसी साल इन्होंने मैक्सिको में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में कंपाउंड एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और ऐसा करने वाली भारत की दूसरी महिला तीरंदाज बनी। दीपिका कुमारी के सफर की बात करें तो बेहद ही इंटरेस्टिंग ये रहा है। विश्व नंबर 1 तीरंदाज का तमगा इन्होंने हासिल किया। सबसे पहले वर्ष 2009 में महज 15 वर्ष की दीपिका ने अमेरिका में हुई 11वीं यूथ आर्चरी चैंपियनशिप जीतकर अपनी उपस्थिति वहां पर जाहिर की। फिर आया साल 2010 जब एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल दीपिका कुमारी ने जीता। इसके बाद इसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स में दीपिका कुमारी ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, महिला एकल में भी और टीम इवेंट में भी, और दोनों में एक एक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में इन्होंने ना सिर्फ व्यक्तिगत स्पर्धा के लिए स्वर्ण जीता बल्कि महिला रिकर्व टीम में भी गोल्ड मेडल जिताया। भारतीय तीरंदाजी के इतिहास में साल 2010 सबसे सुनहरा, सबसे यादगार साल है और इसकी चर्चा तब तब होगी जब जब हम तीरंदाजी स्पोर्ट की बात करेंगे। इसे देश की रिकर्व तीरंदाज दीपिका कुमारी के स्वर्णिम प्रदर्शन के रूप में याद रखा जाएगा। ये साल इतना खास है, इतना स्पेशल है। फिर आया साल 2011 जब इस्तांबुल में और टोक्यो में साल 2012 में एकल खेलों में दीपिका कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसी तरह एक एक करके वो जीत पे जीत हासिल करती गई। जीत का ये सिलसिला, मेडल पाने का ये सिलसिला रुका नहीं और साल 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दीपिका कुमारी को उनके प्रदर्शन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री के अलावा अर्जुन अवार्ड से भी ये सम्मानित की जा चुकी हैं और अब पेरिस ओलंपिक में इनसे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि जब ये आर्चरी करेंगी, तीरंदाजी करेंगी तो हमें उम्मीद है निशाना लगेगा बुल्जाई पर और भारत की झोली में होगा एक और मेडल।